पिछली क्लास में आप लोगों को ध्यान हो तो हमने नवा क्वेश्चन कर लिया था, है ना। अभी आठवां मैंने, हाँ ध्यान आया, आठवां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, तो अभी मैं आठवां क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आठ, माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू डी एक्स, ये आपको दिया हुआ है। देखो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए मैंने एक बात बताई थी कि ऊपर कम घात होनी चाहिए, यहाँ एक्स की घात दो बैठेगी गुणा करेंगे तो, और ऊपर भी एक्स की घात दो है तो कम घात तो है नहीं। जबकि आंशिक भिन्न में कब टूटता है, जब घात ऊपर क्या हो, कम हो। तो फिर क्या किया जाता है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में ये किया जाता है कि इसका इसमें भाग दे के, और जब यहाँ कम घात बैठ जाएगी, देखो कैसे, इधर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ आपको, वैसे आप फेर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे, गुणा कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स प्लस का एक्स तो माइनस का एक्स माइनस का दो। अच्छा मैं भाग दे रहा हूँ कितने में, एक्स स्क्वायर में, कितने का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का, एक्स स्क्वायर में भाग दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का। तो इसका इसमें भाग देंगे, जिनको भाग देना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं देना होता हो तो सुन लो कैसे देते हैं। यहाँ अधिकतम घात वाले पद में अधिकतम घात वाले पद का भाग देते हैं, इसका इसमें दिया ना तो एक बार जा रहा है तो एक लिख दो, फिर इस एक का गुणा पूरे से करके यहाँ लिखते हैं, एक का गुणा पूरे से किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, फिर घटा देते हैं जैसा कि सामान्य प्रक्रिया भाग की, तो घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे ना तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे उल्टे। अब घात कम आ गई, अरे कम घात में थोड़े ना भाग जाता है, जैसे चार का भाग नौ में दिया, चार दो आठ बचा एक शेष, अब एक में चार का भाग नहीं देता तो ख़त्म भाई, ज़्यादा होता है तभी तो भाग देते चलते हैं, नहीं तो शेष माना जाता है। अब घात कम आ गई तो ये शेष माना जाएगा, शेष फल भाग में दसवीं क्लास में है, उसका उपयोग करके आप इसे एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू बराबर जो भी है, कितना है ये एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस टू, इसको पता है क्या लिखा जा सकता है, शेषफल भागफल प्रमेय से, यहाँ तो भागफल लेते हैं प्लस शेष बटे भाजक, शेष बटे भाजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, शेष सॉरी भागफल प्लस शेष बटे भाजक, ठीक है इतना आ गया। पुनः चलो ऐसे रहने दो, यानी ये और ये एक ही बात है, ये क्या चीज़ है, यही तो है ये, यानी इसको लिख दिया एक तरह से वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये यही तो है, मतलब ये हो गया भाई, फेर में काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू को क्या लिखा जा सकता है, वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, वन प्लस इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप देखो ये और एक ही बात है, तो इसका समाकलन इसका समाकलन एक ही बात रहेगी,
तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू डी एक्स बराबर वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू डी एक्स। अच्छा, वन का तो अलग से समाकलन हो जाएगा, प्लस इस पर चल रहा हूँ मैं, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। देखो, इसका समाकलन कर सकते हैं अपन, कैसे, आंशिक भिन्न में तोड़कर। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी सवाल में ये थोड़ा स्टेप है कि इसका इसमें भाग दे देना, दे दिया, और क्या लिख देना, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, फिर इसका समाकलन करो चाहे इसका करो। मूल सवाल यह है और भाग देने के बाद ये आया। अगर ये चीज़ आप डायरेक्ट मन से प्राप्त कर सकते हो तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो बीच की प्रक्रिया होगी होगी, नीचे वाले का भाग इसमें दिया तो ये आ गया, अलग अलग दोनों पर समाकलन चढ़ा दिया। अब हमारे सामने जो मूल समस्या है समाकलन की, इसके की नहीं है, इसके की है, तो इसका समाकलन करेंगे कैसे, समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, अच्छा समाकल्य को जब आंशिक भिन्न में तोड़ा तो कैसे तोड़ते हैं, x प्लस टू अपॉन में x प्लस वन और x माइनस टू बराबर a अपॉन में तो x प्लस वन प्लस b अपॉन में x माइनस टू, a अपॉन में तो x प्लस वन और प्लस b अपॉन में x माइनस टू, ऐसे तो तोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, आगे ध्यान है, लघुत्तम लेते हैं। देखो हम यहां अटके पड़े हैं जिसमें इसके समाकलन पर तो अटक ही नहीं रहे, अटक रहे हम इसके समाकलन पर, तो इसका समाकलन कैसे होगा, a अपॉन पहला प्लस b अपॉन दूसरा, a अपॉन पहला प्लस b अपॉन दूसरा, ठीक है, a अपॉन में तो पहला प्लस b अपॉन में दूसरा। अब हमारा उद्देश्य a और b के मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, जगह तो कम बची है भाई, फिर भी करते हैं प्रयास। x माइनस टू बराबर x प्लस वन और x माइनस टू, a गुणा में तो x माइनस टू और b गुणा में x प्लस वन, ये कट जाएंगे, सामने क्या आ जाएगा, ये x प्लस टू बराबर a गुणा में तो x माइनस टू और b गुणा में x प्लस वन। मैं हर बार इसको तो समीकरण एक बोलता हूँ, इसको नहीं इसको बोलता था, कोई बात नहीं, ये दो आ गया। अब इसमें एक बार तो x बराबर दो रखना है और एक बार x बराबर रखना है माइनस एक, कैसे ये बता रखा है मैंने, a के बगल वाले को बराबर जीरो करो, x क्या रखना है बेचार आ जाएगा, इसे बराबर जीरो करो, x माइनस एक रखना है बेचार आ गया, दोनों रख के इनको रख के a और b के मान प्राप्त करके हम कहाँ पहुँच जाएंगे वापस से, जगह तो कम बची है भाई, फिर भी प्रयास करता हूँ, देखो, यानी कि i बराबर होने को तो क्या है 1 dx और x प्लस टू अपॉन x प्लस वन और x माइनस टू dx बराबर एक का तो x हो जाएगा, खैर चाहे अभी लिख लेता हूँ थोड़ी देर और ये a अपॉन तो x प्लस वन
और बी अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, लॉग एक्स प्लस वन गुणा में ए रहेगा है ना, और प्लस बी गुणा में लॉग एक्स माइनस टू। ए और बी के मान जो यहां से आप लाओगे जो आएंगे भाई, वैसे बता दूं क्या आने वाले हैं, एक्स बराबर दो रख दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, दो एक तीन, तीन बी बराबर पाँच, नहीं दो रखा है ना, दो चार और तीन चार, बी बराबर तीन तो बी बराबर आया चार बटे तीन, और एक्स बराबर माइनस एक रख दिया तो ये जीरो, माइनस तीन और यहाँ एक, तो ए बराबर माइनस एक बटे तीन आया शायद है ना, ये ए और बी के मान आ गए उसमें रख देंगे। मतलब ऊपर कम घात हो ना तभी आंशिक भिन्न में टूटता है, ऊपर कम घात हो तभी आंशिक भिन्न में टूटता है। अगले सवाल पर चढ़ते हैं, नवा मैंने करा दिया, दसवें की हालांकि मैंने बोली थी, हो सकता जहाँ तक कर ही लिया होगा वैसे तो, फिर भी करा देता हूँ। चलो अब वैसी ट्रिक तो आ नहीं रही है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोस को ऐसे लिख दो, फलान लिख दो, मेथड ही मेथड पे आधारित सवाल है सीधे। क्वेश्चन नंबर दसवा देखो आप, माना I बराबर इंटीग्रेशन x प्लस वन अपॉन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स और डी एक्स, ऊपर कम घात है क्या? बिल्कुल कम घात है तो आंशिक भिन्न में टूट जाएगा, पर फैक्टराइज ऐसे स्थिति में नहीं है नीचे, तो इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, i बराबर ऊपर तो x प्लस वन, नीचे अगर मैंने x कॉमन ले लिया ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस छ डी एक्स, अगर मैंने x कॉमन ले लिया ना तो x बार इतना आ गया, अब i बराबर x प्लस वन अपॉन में x, इसके गुणनखंड कर रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस के तीन एक्स माइनस के दो एक्स माइनस के छ डी एक्स, आई बराबर x प्लस वन अपॉन में x, ये कुल मिला के मैं तुम्हें बताऊं x प्लस तीन बनेगा और x माइनस दो डी एक्स बन गया, पहले जो सवाल है उनकी स्थिति से मैचिंग कर गया, ऊपर कम घात है नीचे गुणनखंड से तो बड़ी आसानी से आंशिक भिन्न में टूट जाएगा। कैसे लिखो पहले तो वही लाइन जो कि समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर x प्लस वन अपॉन में x, x प्लस थ्री और x माइनस दो बराबर में, कैसे तोड़ते हैं, अरे ये x माइनस जीरो समझो इसको, x को a अपॉन में तो x, b अपॉन में x प्लस थ्री, सी अपॉन में x माइनस टू। अब हमारा उद्देश्य क्या है, ए बी सी के मान ज्ञात करना, तो इधर तो ये जो कि तो खैर x प्लस वन अपॉन x, x प्लस थ्री x माइनस टू बराबर, यहाँ x, x प्लस थ्री और x माइनस टू, x का भाग देंगे तो a गुणा में तो कितना आएगा,
एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस थ्री का इसमें भाग देंगे तो बी गुणा में कितना आएगा एक्स एक्स माइनस टू प्लस सी एक्स माइनस टू को भाग देंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे एक्स प्लस वन बराबर ए एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स एक्स प्लस थ्री। इससे हल करके हम सदैव क्या ज्ञात किया करते हैं ए बी सी के मान। तो कैसे करते थे ध्यानो इन खंडों को बराबर जीरो कर करके। तीन खंड हैं इसमें, एक तो एक्स है, एक एक्स माइनस दो है और एक एक्स प्लस तीन है। अगर आपने एक्स को बराबर जीरो किया तो एक्स बराबर जीरो ही आ गया ये खंड जो है। तो एक बार तो हम एक्स बराबर जीरो रखेंगे, इसे बराबर जीरो किया एक्स माइनस दो को तो एक्स बराबर दो आना है, और इसे बराबर जीरो किया तीसरे खंड को तो एक्स बराबर माइनस तीन पर और पर। देखें वैल्यू एक्स बराबर जीरो पर रखो जीरो, जीरो प्लस एक एक बराबर ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे भाई। तो ए गुणा में यूँ समझो कि जीरो प्लस तीन और जीरो माइनस दो, बाकी दो तो जीरो हो गए। यहाँ से ए की वैल्यू बता देते हैं डायरेक्ट ही, माइनस का एक बटे छः, माइनस का एक बटे छः। एक्स बराबर दो पर ये वाला हिस्सा जीरो, पहले यहाँ रखो दो प्लस एक तो तीन बराबर ये जीरो हो जाएगा भाई। एक्स बराबर दो पे ये भी जीरो हो जाएगा, ये देखो सी गुणा दो और गुणा में दो प्लस तीन पाँच दो दस, दस सी बराबर तीन है ना, तो सी बराबर तीन बटे दस ठीक है। अब एक्स बराबर माइनस तीन पर अगर एक्स का मान माइनस तीन प्लस एक कितना माइनस दो बराबर ये हिस्सा तो जीरो प्लस बी ये हिस्सा माइनस तीन और माइनस तीन माइनस दो माइनस पाँच और ये भी जीरो हो गया। पाँच तेरह पंद्रह, पंद्रह बी बराबर तो माइनस दो, बी बराबर कितना आ जाएगा दो बटे पंद्रह, बी बराबर दो बटे पंद्रह आ गया ठीक है। तो ये तुम्हारे तीनों बाई चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि ए बी सी के मान मिस्टेक हो सकती है, आप सही कर लिया करना, जहाँ तक है तो सही है वैसे। तो ये ए बी सी के मान आ गए। ये किस लिए ज्ञात किए जाते हैं कि हमने जो समाकल्य को ये तोड़ा है आंशिक भिन्न में, ये देखो ये यूं कह रहा है कि इसका समाकलन करो और चाहे इसका करो एक ही बात है, ये सवाल है तो इसका करो चाहे इसका करो, इसका सरल पड़ेगा। तो पुनः मतलब आई बराबर होने को, तो सवाल तो क्या था एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स एक्स प्लस तीन और एक्स माइनस दो, जिसको क्या लिखा जा सकता है ए बटे एक्स प्लस बी बटे एक्स प्लस तीन लिखा जा सकता है और प्लस सी बटे एक्स माइनस दो लिखा जा सकता है डी एक्स। ये और ये एक ही बात है, यदि ए बी सी के मान ये वाले ले लिए जाएं तो ये वाले मान ए बी सी के यहां रख देंगे ना, लौत्तम लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सवाल है। तो ये और एक ही बात है, इसका समाकलन कर देते हैं।
देखो ए तो जो कि तो वन अपॉन एक्स की भांति हो जाएगा, रैखिक होता है तो हो जाता है, तो लॉग एक्स। अच्छा लॉग की वैल्यू को मोड में ले लिया करना, भूल जाए तो अंत में ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉग में एक्स प्लस थ्री प्लस सी, लॉग में एक्स माइनस दो और प्लस सी, अंत में ए बी सी के मान जमा नहीं होते, तो ए का मान माइनस एक बटे छः और लॉग में मोड एक्स, प्लस बी का मान दो बटे पंद्रह और लॉग एक्स प्लस तीन मोड में ना, और सी का मान तीन बटे दस और लॉग में एक्स माइनस दो प्लस सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया जाने, मैंने दसवा करा दिया, दसवा। ठीक है कि नहीं है, ये नोट करो फिर अगला देखते हैं। इसी प्रकार भाई ग्यारहवा क्वेश्चन है, ग्यारहवें क्वेश्चन में नीचे जो एक्स क्यू माइनस चार एक्स है ना, आप उसमें से एक्स अगर कॉमन ले देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस चार स्थिति आएगी, और एक्स स्क्वायर माइनस चार को एक्स माइनस दो और एक्स प्लस दो। अब हम तेरहवें क्वेश्चन पाते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रेशन वन माइनस थ्री एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू डी एक्स, वन माइनस थ्री एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू। ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है वन माइनस थ्री एक्स अपॉन इतना, हम इसमें क्या करेंगे, हालांकि ऊपर कम घात तो है, मैंने कहा था ना ऊपर कम घात हो तभी टूटता है, तो कम घात तो है पर इसमें कॉमन वगैरह लेके इनको सही प्रारूप में सेट कर रहा हूं मैं, वन माइनस थ्री एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन ले दें तो वन प्लस एक्स डी एक्स, वन माइनस थ्री एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स कॉमन तो वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो वन माइनस थ्री एक्स है और अपॉन में वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने जो चार लिखाए थे इस एक्सरसाइज से पहले ही, क्या चार लिखाए थे कि ऐसे हो तो ऐसे आंशिक भिन्न में तोड़ना, यूं हो तो यूं तोड़ना, उनमें एक स्थिति अभी तक काम में नहीं आई। मैंने एक लिखाई थी कि एक गुणन खंड हो रहे हो और एक दुघात हो जिसके खंड ना हो रहे हों, तो उसको बी एक्स प्लस सी बटे लिखना है, वापस देखिएगा मिल जाएगा। पहले तो लिख रहा हूं मैं समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, अच्छा समाकल्य को आंशिक भिन्न में अगर तोड़ते हैं तो वन माइनस थ्री एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए अपॉन में तो वन प्लस एक्स प्लस, ये रैखिक गुणनखंड नहीं है तो बी अपॉन नहीं कर सकते इसको, ये एक दुघात है जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हुए, दुघात है ये, तो ऐसे का मैंने ये इलाज बताया था कि बी एक्स प्लस सी लिखना जब गुणनखंड ना हो, देख लेना है। जहां तक है जो चार लिखाए थे उनमें तीसरे नंबर का है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले, तो इतना आ गया। अच्छा अब हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने, तरीका वही रहेगा,
इधर तो जो की तो वन माइनस थ्री एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ए गुणा में तो वन प्लस एक्स आया प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणा में ये आएगा, ए के गुणा में तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और बी एक्स प्लस सी के गुणा में आएगा वन प्लस एक्स, ये कट जाएगा तो वन माइनस थ्री एक्स बराबर ए वन प्लस एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी इंटू में वन प्लस एक्स, ये आ गया, ये वन माइनस थ्री एक्स इक्वल टू ए इंटू यू। इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले होते हैं, ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं, आपको ध्यान हो तो, इसकी हेल्प से ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इन गुणनखंडों को बराबर जीरो कर करके, इससे बराबर जीरो करो एक्स प्लस वन को तो एक्स बराबर माइनस एक, एक्स बराबर माइनस एक पर कुछ नई बात सीखेंगे अभी इसमें, ध्यान से समझना। तो एक्स बराबर माइनस एक रखना है इस पूरे में, इधर रख रहा हूँ एक्स की जगह माइनस एक, तो ये माइनस तीन हो जाएगा परंतु प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस तीन बराबर ए, एक्स की जगह माइनस एक रख रहा हूँ मैं यहाँ, देखो ए यहाँ यहाँ यहाँ, एक प्लस एक प्लस एक्स की जगह माइनस एक रखेंगे तो माइनस बी प्लस सी और इनटू में जीरो हो गया, ये तो एक प्लस तीन तो चार बराबर दो ए, ए बराबर कितना आया दो, ए बराबर तो दो आया। अब दूसरे पाओ, अब क्या रखें, इसको बराबर जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक, गलत संभव नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक संभव नहीं है, फिर क्या किया जाए, तो अगर रैखिक होता ना तो बराबर जीरो करते, तो मैंने बताया था एक्स रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं, पर होता क्या है कि एक्स के ये वाले जो मान लेते हैं ना अपन बराबर जीरो कर करके, इनसे क्या है जल्दी हल हो जाता है। अब तुम एक्स बराबर जीरो रख दो, भली एक्स बराबर जीरो पर ये तो जीरो हो जाएगा, तो एल एच एस में तो एक बराबर एक्स की जगह जीरो रख दिया, एक प्लस जीरो एक गुणा ए, ए एक्स की जगह जीरो रख दूं, ठीक है, जीरो गुणा बी, जीरो गुणा बी कितना आ जाएगा जीरो, जीरो प्लस सी सी और एक प्लस जीरो एक सी आ रहा है कुल मिला के, कब जब एक्स का मान जीरो रख रहे हैं तो ये सी आ रहा है। अब एक्स की वैल्यू कोई एक और रख दो, भले एक्स बराबर एक रख दो आप, एक्स बराबर एक पर एक रख दें, तो एक माइनस तीन माइनस दो बराबर एक्स की जगह जब एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक, एक प्लस एक एक, मतलब एक प्लस एक दो, दो एक्स की जगह मैं एक रख रहा हूं तो एक प्लस एक कितना हो गया दो, दो का गुणा इससे भी दो बी प्लस दो सी, दो बी प्लस दो सी, ठीक है। सुनो ए प्लस सी बराबर एक आया है और ए बराबर दो है ऑलरेडी हम पे, तो ए का मान दो रख दूं यहां पे, एक बराबर दो प्लस सी, यहां से सी का मान आ गया
माइनस एक। ए और सी प्राप्त हो चुके हैं, इसमें ए और सी रख देंगे तो बी आने वाला है। फिर देखो कैसे, माइनस दो बराबर ए का मान कितना निकला हुआ है, दो, दो गुणा दो चार हो गया, प्लस दो बी, सी का मान माइनस एक निकला हुआ है तो ये माइनस दो हो गया। माइनस दो से तो माइनस दो कट जाएगा भाई, दो बी बराबर आया माइनस चार, तो यूं करके बी बराबर बैठा माइनस का दो। ए बराबर दो, बी बराबर माइनस दो और सी बराबर माइनस एक, आगे तीनों के मान पहुंच जाओ सवाल पे, यहां पे इसका समाकलन करो चाहे इसका समाकलन करो, क्या है I बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस थ्री एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ए अपॉन में 1 प्लस एक्स। ए कितना है, दो बटे में 1 प्लस एक्स, प्लस अब की बार में ए और बी के मान रख दिए पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रह सकते हैं शुरुआत में। बी एक्स प्लस सी, बी का मान कितना निकला हुआ है माइनस दो, माइनस दो एक्स और प्लस सी का मान कितना है माइनस एक, माइनस दो एक्स माइनस एक, बी और सी के मान रख दिए बी एक्स प्लस सी में और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना डी एक्स। देखो किन किन का समाकलन तुमसे हो सकता है, इसका हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लॉग में आ जाएगा, इसका नहीं होगा, ऐसे अलग अलग लो पहले, दो बटे में एक प्लस एक्स डी एक्स और माइनस कॉमन ले देना तो दो एक्स प्लस एक बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ना तो नीचे वाले को टी मानने से ऊपर वाला डी टी बनने वाला, फिलहाल इसका तो हो जाएगा पहले हिस्से में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा लॉग 1 प्लस एक्स होने वाला है, ठीक है कि नहीं है, इसमें दिक्कत है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग अलग भाग दे देना। देखो पहला तो जोंकी तो दो बटे एक प्लस एक्स डी एक्स माइनस दो एक्स बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस का ही वो होगा क्योंकि माइनस है इसलिए एक बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जरा देखना अलग अलग भाग देने से क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है जिसका समाकलन हो जाए, बिल्कुल आ चुकी है भाई। देखो एक जगह कम है तो मैं कुछ एक स्टेप खा के डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, दो एक बटे 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस, अब इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर टी माना जाए तो 2x dx dt है, सोचियो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना तो एक को अवकलन तो जीरो, एक्स स्क्वायर को 2x ही तो आएगा बराबर dt, तो 2x dx तो dt और नीचे वालों t, तो dt बटे t समझो, dt बटे t को log t, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा, हम बैसू तो 1 बाई एक्स की तरह, फिर 2x को कहा करते, ये तो 2x dx dt में चलेगा, ये t मानने वाला स्टेप मैंने मन में मनवा दिया तुमसे, वैसे माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहली एक्सरसाइज का टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, बार में जैसा हमने क्वेश्चन कर रखा था क्वेश्चन नंबर 4, अभी कौन सा हुआ जाने 13, अब 14 पे आ जाओ आप।
अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर कौन से पे, 14वें पे। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 5 माइनस एक्स डीएक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 5 माइनस एक्स डीएक्स। क्या किया जाए, एक्स कॉमन लिया जाए, आई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले दिया है मैंने तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 डीएक्स। फिर इसको तोड़ा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, आई बराबर ऊपर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स तो ये वाला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह फैक्टर कर दिया, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बढ़िया रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, आई बराबर 1 अपॉन नीचे ये एक्स और ये टूट जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 डी एक्स। चलो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया है, कैसे कर लेना आप कि समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, तो 1 अपॉन में एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर ए अपॉन में तो एक्स, बी अपॉन में एक्स माइनस 1, सी अपॉन में एक्स प्लस 1। ए अपॉन में एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। इसके फिर लघुत्तम लेके वही एबीसी के मान ज्ञात करके हो जाएगा, है ना। आगे मैं इसको नहीं कराना चाह रहा। कौन सा था ये, 14वां। अब 15वें पा जाओ, 15वां क्वेश्चन ये मैं मिटा रहा हूं, जब तक 8वां क्वेश्चन देख लो मैंने क्या किया था, देख लो जरा। 8वां क्वेश्चन देख लो जरा क्या किया था मैंने। 8वें क्वेश्चन में ऊपर कम घात नहीं थी, समान घात थी, तो पहले हमने उसमें भाग दिया था। सेम स्थिति 15वें क्वेश्चन में है। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें ऊपर और नीचे समान घात है, लिख रहा हूं मैं पहले तो, क्या माना आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डीएक्स। जब ऊपर और नीचे समान घात हो ना, पहले डिवाइड करते हैं, चाहो तो अलग से रफ में दे लो, चाहो तो फेयर में ऐसे चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भाग दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। एक बार मैंने कहा था कैसे भाग देते हैं जिनको नहीं आता है, दोनों की अधिकतम घातों को आपस में भाग दे दो। इसकी अधिकतम घात में इसकी अधिकतम घात का भाग दे रहे हैं तो एक आ रहा है, और एक का गुणा इससे करके यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर घटाते हैं, वही जैसा सामान्य भाग में होता है संख्याओं वाले में, घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, 5x में से 3x गए तो 2x, 3 में से 2 गए तो 1, ये बच गया। ये एक भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है। कम घात आ गई तो आगे भाग नहीं जाने वाला, इसलिए इसको शेषफली करार दे दो। तो आई बराबर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3
बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx है ना, इसको लिखा जा सकता है भागफल प्लस, भागफल तो एक है, प्लस शेषफल बटे भाजक। शेषफल तो ये रहा 2x प्लस 1 बटे भाजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। पहले भी किया था हमने, भाग दिया था पहले, तो इसका इसमें भाग दिया तो एक बार गया और शेषफल बटे भाजक आ गया। एक के समाकलन में तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो है 2x प्लस 1 बटे, इसके गुणनखंड हो रहे हैं, मैं एक स्टेप में कर देता हूं x प्लस 1 और गुणा x प्लस 2, ये गुणा करो यही आने वाला है। तो यूं समझो ये है मूल सवाल हमारे सामने, और इसमें दो बे हैं गुणनखंड से, आंशिक भिन्न में टूट के आ जाएगा। समाकल्य को 15वें क्वेश्चन में एक नई बात यही है बस, कौन सी, कि ऊपर और नीचे घात समान है तो इसका ऐसे भाग दिया है। अच्छा ऊपर अधिक घात हो तब भी डिवाइड करना है आपको, ऊपर अधिक घात हो तब भी डिवाइड करना है। तो समाकल्य को क्या आंशिक भिन्न में, तो ये आएगा कितना है समाकल्य 2x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डीएक्स बराबर ए बटे में तो एक्स प्लस 1 और बी बटे में एक्स प्लस 2। ठीक है, अब क्या किया जाए, ए बटे में एक्स प्लस 1 और प्लस बी बटे में एक्स प्लस 2, आगे क्या करेंगे, लौत्तम प्रक्रिया तो वही पुरानी चलनी है भाई, समझ जाओ तो तुम 2x प्लस 1 बराबर इधर भी यही लौत्तम एलसीएम, x प्लस 1 आया तो a गुणा में तो x प्लस 2 और b गुणा में x प्लस 1, ये कट गए ना, तो 2x प्लस 1 बराबर a गुणा x प्लस 2 और b गुणा में x प्लस 1। अब यहां से हल करके हम क्या करने वाले होते हैं, ए और बी के मान ज्ञात करने वाले होते हैं। इसे हल करके हम ए और बी के मान ज्ञात करने वाले होते हैं, तो एक्स बराबर कितना रखेंगे, इसे बराबर जीरो करें तो एक्स बराबर माइनस 2 पर, इसे बराबर जीरो करें तो एक्स बराबर माइनस 1 पर, इन दोनों पर ए और बी के मान आ जाएंगे। कर ही देता हूं माइनस 2 पर, तो माइनस 2 रख दिया तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 जीरो, माइनस 2 प्लस 1 माइनस भी आया, तो यूं करके बी बराबर कितना 3, एक्स बराबर माइनस 1 पर, एक्स बराबर माइनस 1 पर माइनस 1 रखा तो माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1, ये हिस्सा तो जीरो ए आया, यूं करके ए बराबर आया माइनस 1, एक्स का मान जब माइनस 1 रख रहे हैं, ए और बी आ गए, तो पुनः देखो समाकलन तो इसका था कितने का, एक तो बंडी एक्स था और एक ये था कितना 2x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 dx, जबकि ये क्या हो गया फिर 1 dx तो जो की तो, और इसको ये रहा ये लिख लिया गया है कितना a बटे तो x प्लस 1 और b बटे x प्लस 2। करें समाकलन, एक का तो x प्लस a लॉग में x प्लस 1 प्लस b लॉग में
एक्स प्लस दो प्लस सी, ए और बी के मान रखते हैं, अंत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कौन से नंबर का था ये? पंद्रहवां। सोलहवें जैसा अभी अभी आया है, कैसे तोड़ेंगे सुन लीजो। सोलहवें को ए बटे में तो एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए आप। माना I बराबर 1 अपॉन ये 1 प्लस e की पावर x और 1 माइनस e की पावर माइनस x dx। आप इस e की पावर माइनस x को भी ठीक कर लो। कैसे? 1 अपॉन e की पावर x कर सकते हैं। वन अपॉन ये तो जो कि तो पहला फैक्टर तो वन माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स और लौत्तम ले रहा हूं मैं वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स और यहां ई की पावर एक्स एलसीएम लिया ना ई की पावर एक्स माइनस वन ही तो आया डी एक्स। ये ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा तो ऊपर ई की पावर एक्स नीचे एक तो e की पावर x प्लस वन e की पावर x माइनस वन डी एक्स। ठीक है, माना e की पावर x t तो e की पावर x डी एक्स कितना डी टी रख दिया हमें i बराबर ऊपर वाला तो डी टी और नीचे t प्लस वन टी माइनस वन। आंशिक भिन्न में टूट के हो सकता है पर क्यों ना इसको यूं कर दो तुम t प्लस वन और t माइनस वन को t स्क्वायर माइनस वन। इसका हमने डायरेक्ट याद कर रखा है ना वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या कर रखा है वन बाई टू ए गुणाए है ना टू इंटू वन लॉग t माइनस वन अपॉन t प्लस वन प्लस सी t का मान रख देना रख ही दो इतने में तुम्हें वन बाई टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो कितना ही जोर लगाए आज तो ये वैसे भी नहीं होने वाले, कल ही खत्म हो पाएगी एक्सरसाइज। कल अपन इसके क्वेश्चन और बाकी किससे से एग्जांपल भी कराई देंगे। ठीक है, आज मैंने जो कराए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक।